ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलर। दोस्तों मई जून आने वाले हैं, इन दिनों तत्काल टिकट मिलना काफी मुश्किल है। इस टाइम ही तत्काल टिकट का काले बाजारी काफी तेजी से होने लगता है और एक टिकट पे कुछ लोग यहाँ पे इनलीगल तरीके से टिकट बुक करके 500 700 एक्स्ट्रा प्राइस करके सेल करता है, उसके लिए ये बैड न्यूज है। तो आज के वीडियो में फुल डिटेल्स में बात करेंगे क्यों उसके लिए बुरी खबर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों ज्यादातर जो प्रॉब्लम आता है तत्काल टिकट को लेकर अप्रैल मई जून में होता है, क्योंकि इन दिनों तत्काल टिकट बुक करने में काफी सारे प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे रेलवे दलालों को पकड़ने के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं, जिससे कि जो दलाल है बीच में अधिक रेट में टिकट बुक करके सेल करते हैं उसे डायरेक्ट गिरफ्तार कर रहे हैं। आप लोग भी ऐसे कर रहे हैं यानी कि तत्काल टिकट बुक करके सेल कर रहे हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर है क्योंकि इससे काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। यदि आप लोग इस तरह के इनलीगल धंधे करते हैं तो आप लोगों को बंद कर देना है, नहीं तो आज न कल आने वाला टाइम में किसी भी तरह से आप लोग पकड़ा जाएंगे। एक्चुअली में ये मैं बता दूं आप लोगों को कैसे पकड़ रहा है। इस टाइम अभी स्टेशन पर प्रत्येक यात्रियों से पता कर रहे हैं आप लोग टिकट कैसे बुक करा रहे हैं, यानी कि टिकट उनसे चेक किया कर रहे हैं और देख रहे हैं जिसका टिकट तत्काल में बुक हुआ है तो उनसे पूछताछ कर रहे हैं आपने टिकट कहाँ से बुक करा रखे हैं। यदि वो व्यक्ति बाय मिस्टेक से भी आप लोगों का नाम बता देता है जिससे आप लोग टिकट बुक करवा रखा है तो भाई प्लीज आप लोग यहाँ पे फंस सकते हैं। तो इस तरह के बचने के लिए आप लोग सिंपल जब भी आप सेल करते हैं तो उस पैसेंजर को आप लोगों को समझा देना अपने हिसाब से तो आप यहाँ पर बच सकते हैं, नहीं तो इस तरह की आप गलती करेंगे तो आज न कल फंस जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आरपीएफ क्या कर रहा है, जिस बोगी में तत्काल टिकट बुकिंग हो रखा है उसमें जाकर डायरेक्ट पैसेंजर से पूछ रहे हैं आप लोगों ने तत्काल टिकट बुक कहाँ से करवा रखा है, कैसे करवा रखा है, इस तरह के काफी सारे सवाल पूछ रहे हैं। तो आप लोग इस तरह के काले धंधे करते हैं यानी तत्काल टिकट बुक करके सेल कर रहे हैं तो प्लीज ये सब बंद कर दो, नहीं तो आज न कल फंस जाएंगे और 143 एक्ट के तहत आप लोगों को जेल भी हो सकता है और जुर्माना भी पे करना पड़ सकता है। यदि आप लोग इस तरह की गलती ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप लोग इसको बचने के लिए आपको कुछ सजेशन मैं आपको दे देता हूँ जिससे आप उपयोग करके थोड़ी बहुत आप सावधानी बरत सकते हैं। तो सिंपल आप लोग कर क्या सकते हैं, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं कस्टमर का मोबाइल नंबर से आपको न्यू अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद उसी आईडी से आप लोग टिकट बुक कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों को काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा और आप लोगों को थोड़ी बहुत यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी उसके मोबाइल नंबर से ही टिकट बुक रहेगा और उसके मोबाइल नंबर पर ही मैसेज आएगा, सारा वेरिफिकेशन उसी से होगा। तो इस तरह का अगर करते हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।